चाची गाड़ी में आ जाएगा घर आने के लिए, हमें कहीं नहीं लेके जा रहे हैं। मुझे तंग करने के अलावा और कुछ नहीं करेंगे, इसलिए मैं कभी जाती हूँ। बच्चों की जो है वो स्कूल में ओरिएंटेशन थी। हाँ जी, मेरा बेबी तो अपनी ये ड्राइंग दिखाता रहता है, ये देख लें जी आप लोग पहले ड्राइंग में, बेबी की इतनी प्यारी ड्राइंग होती है। तो पहले जी जैवी की ओरिएंटेशन थी और अब जो है वो अर्शमान की होगी। तो बस सुबह सुबह आज जो है वो जरा हम जल्दी जल्दी उठे और मेरी थोड़ी सी तबीयत भी नहीं ठीक थी। खैर मैंने इनको नाश्ता वाश्ता दिया, रेडी शेडी किया, फिर उसके बाद मैं स्कूल गई हूँ। एक ओरिएंटेशन मैं अटेंड कर आई हूँ और अगली जो है वो अभी रहती है। तो अभी उसके बीच में थोड़ा सा टाइम था, अब इतनी देर हम स्कूल में क्या करते, इसलिए हम जी आ गए हैं यहाँ पे आइसक्रीम खाने। और ये देखें जी, ये है क्रेजी कोन्स। यहाँ पे हमें एक आइसक्रीम पार्लर मिल गया है, जो हम अब यहाँ से आइसक्रीम कभी कभी खाते होते हैं। वैसे तो मौसम बड़ा अजीब है, गले ख़राब हो रहे हैं, हम आइसक्रीम खाने आ गए। चलो अल्लाह बेहतर करेगा, अल्लाह में ठीक रखेगा। एक्चुअली बहुत टाइम हो गया हमने नहीं खाई ना, पहले पहले हमने खाई थी, एक बार हमने ट्राई की हुई है तो उसकी अच्छी थी। अभी हमने सोचा कि चलो थोड़ा टाइम है तो यही हम खा लेते हैं। तो बस अभी इधर ही आए थे, इनका दिल कहता है हर चीज गाड़ी में आ जाए या घर आने, बस खाने के लिए हमें कहीं नहीं लेके जा रहे हैं। जब भी कोई खाने की मैं क्या बाहर ले रहा हूँ, मुझे कुछ खिला दो, बाहर से बैठ के खाना है, मुझे बैठ के खाना है। हमारी इस बात पे बहस होती रहती, बैठ के खाना है या घर मंगवाना, और हमेशा कोई चीजें ऊपर करते शो रहा है और हमेशा यही जीतते हैं। लेकिन मैं ना सिर्फ ये जैवी की वजह से कहती हूँ, ये गिरा दी ना इसने आइसक्रीम, क्योंकि ये दोबारा क्या पता मेरे साथ जाए स्कूल में तो फिर कपड़े गंदे हो जाएंगे। तो अब इतना टाइम तो है नहीं कि घर जाकर दोबारा कपड़े शपड़े चेंज करें, तो इसलिए मैं कह रही थी कि ये पीछे बैठ के ना हमेशा गंद करता है आइसक्रीम, जो है ना वो गिरा देता है। आ ही नहीं रहा भाई, कोई आ जाए ऑर्डर ले ले हमारा। देखा मैंने पानी डाला, फिर चलो मैंने एक शीशा डाला, फिर ये हमें उसकी याद दिलाती है जो स्वीट क्रीम होती है और सॉफ्ट स्वील, ये बिल्कुल उस जैसी है ना। आ जाओ भैया, आ जाओ ऑर्डर ले लो, लगता है इनका दिल ही नहीं है ऑर्डर देने का लेने का। सर सोच सोच के आ रहे हैं। चलो जी ऑर्डर दे दिया हमने, और ये जो है ना बिल्कुल सेम आइसक्रीम वैसी होती है ना आदि, सॉफ्ट स्वील वाली जिस तरह होते हैं ना। तो बच्चे बड़े खुश हुए इसको देख करके, ये यहाँ पे हमें मिल जाती है क्योंकि बच्चों को ये बहुत पसंद है। बच्चों को पसंद है, जब हमने फर्स्ट टाइम खाई थी ना तो बच्चे बड़े खुश हुए थे, कहते हैं भाई हाँ ये तो वही वाली है, इनको लगा कि वो यहाँ पे नहीं मिलती। तो मैं कहा चलो ये तो हमें पता नहीं था, मैंने मेरा ख्याल ये और भी सिटीज में है ना, झेलम में। अच्छा सही सही, झेलम में भी देखा था, हो सकता और भी हो जा रहा हो। हाँ और भी होगा। आइसक्रीम आ गई है, ये है जैवी की। कितना बड़ा था जैवी? ये लो बेबी, मैं खुद ही खाऊं। हाँ जी मैं नहीं खा सकता खुद ही ना, खा ली सुनी, नहीं स्पून से खाओ ना। अच्छा मैं खिला के दूँ। ये हैं जी हमारी आइसक्रीम्स, ये देखें नेक्स्ट यमी। हमने मंगवाया है जी लावा वाला है ना, माउंटेन लावा। आसमान की है जी ब्राउनी, देख क्या देखना, यमी यमी सी लग रही है। वैसे तो टाइम बहुत लगा दिया इन्होंने, yeah.
रहे भाई हमने खा ली आइसक्रीम शाइसक्रीम सबने खा ली, जैवी ने आज ये छोड़ दी क्योंकि उसकी काफी ज्यादा भी थी। तो बस अभी हम आ गए तो स्कूल बाहर वेट कर रहे क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ, तो जैसे थोड़ा टाइम होगा बस 10-15 मिनट रहेंगे उसके बाद फिर मैं चली जाऊंगी तो ये लोग गाड़ी में बैठ कर वेट करें, थोड़ा टाइम आधा घंटा पूरा तो लग जाएगा शायद, इससे ज्यादा भी। गाड़ी में बैठे रहेंगे क्योंकि ये दोनों अगर जाएंगे ना मेरे साथ स्कूल में दोनों बहुत मस्ती करेंगे तो फिर वो जा रहे हैं ओरिएंटेशन होती है तो फिर वहाँ पे बच्चे शोर कर रहे हो तो फिर पहले तो मैं जैवी को साथ ले गई, मेरा दिल कहते थे कि दोनों को गाड़ी में ही छोड़ दो, मैं कह रही हूँ अभी भी देखो पीछे क्या हो रहा है। काम अरे जी हो गया टाइम, मैं जा रही हूँ, जाते जाते 2-3 मिनट तो लग ही जाएंगे। ठीक है नहीं बेटा आप लोग गाड़ी में बैठो, आप लोग मुझे तंग करने के अलावा और कुछ नहीं करेंगे इसलिए मैं खुद ही जाती हूँ, बच्चों का काम भी नहीं है, बच्चों ने क्या करना है वहाँ पे। चलें इधर साथ स्कूल है उसको छुट्टी हुई हुई है और इतना रश है ना, पड़ा हुआ था अभी थोड़ा सा हल्का हो गया रश। चल जी हम लोग आ गए थे घर और अरशमान की भी ओरिएंटेशन हो गई है और काफ़ी जो है ना देर हम लगे रहे, हम लोग सब पेरेंट्स और टीचर काफ़ी देर होगी उसमें और अभी जो है ना वो 3:30 हो गए और अब भी हम लोग घर आए हैं सुबह के हम लोग निकले हुए, तो बस अभी आते हुए खाना ले आए थे, ये टिक्के वगैरह ले आए थे और साथ नान, तो बस अब जो है वो खाना खाते हैं और ये देखें आप सुबह के सब चीज़ें यहीं पे छोड़कर तो फटाफट हम लोग चले गए थे क्योंकि देर हो रही थी, बस मैंने इनको नाश्ता वगैरह दिया था तो अब जो है ना मैं इनको खाना देती हूँ उसके बाद ही करूँगी। मेरे सर में दर्द शुरू होगी हुई है हल्की हल्की सुबह से थी, मैंने मेडिसिन भी ली है पर ठीक नहीं हो रही तो अभी जो है वो ज़्यादा हो गई है, तो खैर खाना खाती हूँ फिर मेडिसिन लेती हूँ और बच्चे जो है वो कमरे में चले गए हैं, अदील ऊपर चले गए अपने बर्ड्स के पास उनको खाना छाना देने, तो मैं इनका खाना अपने बर्ड्स का खाना तैयार करूँ उसके बाद उनको खाना देती हूँ। तो खैर चावल तो पड़े हुए थे, चावल भी खा लेंगे और साथ के ठीक है जी, और बस ये सब कुछ जहाँ था वहीं छोड़ के, खैर सुबह सुबह मैंने तो वॉशिंग मशीन भी लगा दी थी, कपड़े भी धो दिए तो वो तो टेंशन नहीं है। ठीक है जी चलो मैं खाना रखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, ये है जी दूसरा दिन और यहाँ पे मैं सुबह सुबह आ गई थी किचन में, बच्चे चले गए थे स्कूल और दिल ऑफिस चले गए थे तो मैं आ गई किचन में अपना नाश्ता वगैरह करने के बाद मैंने सोचा कि अब जो है मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ। तो आज खाने में मैं बना रही हूँ जी जैवी की फरमाइश पे रेनबो राइस, जो कि हैं जी मीठे चावल रंग बिरंगे वाले जो होते हैं जर्दा कहते हैं ना उसको, मुतंजन जर्दा, लेकिन ये है कि मेरा बेटा जो है ना उसको रेनबो राइस कहता है। तो बस उसके लिए मैंने यहाँ पे पानी चढ़ा दिया था बॉयल होने के लिए, नमक भी मैंने ऐड कर दिया था इसके अंदर और ये मैंने चावल सुबह के भिगो के रखे हुए थे, मैंने कहा चलो अब ये ऐड कर देती हूँ, पानी बॉयल हो चुका था तो बस जैवी को बहुत ज़्यादा पसंद है तो इसलिए उसने कहा था मम्मा मैंने वो खाने उसको याद आ गए, वैसे मैं बीच में बना के देती रहती हूँ उसको लेकिन काफ़ी दिन हो गए थे बनाए नहीं थे तो उसको याद आ गए, तो मैंने कहा चलो ठीक है आज स्कूल से आएगा तो खुश हो जाएगा कि आज जो चावल बने हैं मेरी मर्ज़ी के, और वाकई वो बहुत खुश हो गया था। तो बस एक तरफ मैंने चावल डाल दिए थे वो हो रहे थे बॉयल और दूसरी तरफ मैंने पानी चढ़ा दिया था दाल बॉयल करने के लिए, मैं बना रही थी जी माश की दाल और उसके लिए मैंने कहा कि इसको भी मैं बॉयल कर लेती हूँ पहले, तो बस उसके लिए मैंने पानी रखा उसके अंदर नमक डाला और दाल डाल दी, मैंने कहा चलो एक तरफ ये बॉयल होता रहेगा इतनी देर में, साथ चावल भी हो गए थे जी बॉयल और बस उसको मैंने छान लिया और उसके अंदर मैंने अब उसी पैन के अंदर देसी घी डाला है और इसके अंदर मैंने ना ये डाल दिए हैं जी इलायचियाँ 2-3, अच्छा इनको मैंने तोड़ के नहीं डाला क्योंकि ना ही अदील को पसंद है और ना ही बच्चों को, इनके मुँह में आ जाए ना तो फिर ये तो तूफान मचा देते हैं, तो मैंने ना ऐसे ही साबत ही डाल दी थी, मैंने कहा खुशबू ही करनी है ना तो इसलिए मैंने इसी तरह डाल दी। तो बस मैंने जो है ना वो लिए थे जी 1.5 कप चावल और 1 कप मैंने ये एक जो बड़ा बाउल है ना चीनी का वो ऐड कर दिया था और साथ ही थोड़ा सा पानी ताकि इसकी जो है वो चाशनी अच्छी सी बन जाए और बस इसको मेल्ट करेंगे साथ साथ चम्मच चलाते रहेंगे ताकि चीनी जो है वो नीचे ना लगे और पानी ऐड करेंगे तो साथ ही इसकी थोड़ी सी झाग बनेगी चाशनी तैयार हो जाएगी। तो हम इसके अंदर जो ये बॉयल हुए हुए चावल है ना ये ऐड कर देंगे तो बस इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जो है ना वो चाशनी और चावल अच्छे से मिक्स हो जाए, उसके बाद हम इसको दम पे रखेंगे। वैसे ना हमेशा मेरे जो ये होते हैं ना रंग बिरंगे चावल ये वाकई
रेनबो राइस बन जाते हैं क्योंकि ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ इनका कलर जो है ना मिक्स हो जाता है। इतने मुझे परफेक्ट आते नहीं है बनाने, लेकिन मेरे बेटे को पसंद है तो मैंने कहा क्यों ना बना दूँ। खैर हमने खुद ही खाने कुछ भी नहीं होता, तो खैर वैसे जो येलो वाले हैं वो भी सही बनते हैं, टेस्ट अच्छा होता है, बस कलर जो है ना इनका थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। तो ये मेरी अम्मी इस तरह से बनाती थी कि एक साइड पर चावल वाइट सादे रखती थी और बाकी तीन हिस्से में कलर डाल देती थी। तो मैंने भी इसी तरह किया, इसको मैंने इस तरह से कलर डाल के रख दिया जी दम के ऊपर। तो चावल हमारे वहाँ पे बन रहे थे तो मैंने कहा चलो अब जो है ना मैं हांडी की तैयारी कर लेती हूँ। तो मैंने एक ये छोटा सा प्याज लिया है, इसको मैं कट कर लूँगी इस तरह लंबा लंबा से, और थोड़ा सा प्याज ना मुझसे ज़्यादा ही हो गया था क्योंकि अब हम लोग तो दो तीन बंदे ही होते हैं, जैवी तो इतने खाता नहीं है और अरशमान भी ज़्यादा सालन तो खाता नहीं है, कहने को दो ही बंदे हैं हम। तो इस वजह से जो है ना मुझे थोड़ा सी हांडी बनानी पड़ती है तो वो कभी ज़्यादा हो जाती है चीज़ें, कभी थोड़ा सा इसलिए अभी प्रॉब्लम हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता मैं सीख जाऊँगी कि कितनी क्वान्टिटी बनानी है। तो बस यहाँ पे जो है ना मैंने पैन के अंदर ऑयल डाला है, साथ ही मैंने थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर दिया था। जैसे ही ज़ीरे की खुशबू आने लगी तो मैंने इसके अंदर प्याज ऐड कर दिया, प्याज जो है ये ब्राउन होगा। तो यहाँ पे मुझे पहले लग रहा था कि मैंने थोड़ा सा प्याज ज़्यादा कर दिया, लेकिन मुझे लगा कि शायद ठीक होगा, लेकिन नहीं, वो थोड़ा सा ज़्यादा हो ही गया था। तो यहाँ पे जी देखें चावल भी हमारे रेडी हो गए थे और दम हो गया था। ये देखें थोड़ा सा कलर जो है ना मिक्स हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, टेस्ट बहुत अच्छा बना था, मज़े का बना था। तो खैर जैसे हमारे जो है ना वो प्याज हो गए ब्राउन, तो मैंने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया था और साथ थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया ताकि जो है ना वो ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए प्याज। और अब इसको थोड़ा सा मैं भून लूँगी ताकि जो है ना वो थोड़ी सी खुशबू आ जाए, और अदरक लहसुन का पेस्ट भी थोड़ा सा ब्राउन हो गया था। तो मैंने इसके अंदर ये टमाटर का पेस्ट बना के रखा होता है मैंने, तो इससे बड़ी सहूलत हो जाती है। तो बस मैं इसमें ऐड करती हूँ, इसको टमाटर का पेस्ट ऐड करती हूँ, बस टमाटरों को पीस लेती हूँ मैं हैंड ब्लेंडर से और इसको ऐड कर देती हूँ। बीच में फ्रीज़ करके रखा हुआ है मैंने, तो बस जितनी देर में ये मेल्ट होता है साथ में मैं मसाले भी ऐड कर देती हूँ, नमक मिर्च ये धनिया पाउडर और साथ हल्दी भी ऐड कर दूँगी अभी थोड़ी देर में। तो आप लोग पूछ रहे थे कि ये जो मैंने बॉक्सेस हैं, ये मेरे जो जार्स हैं मसाले वाले, ये मैंने कहाँ से लिए। एक्चुअली ये मेरी शादी के हैं, मेरे जहेज के थे और ये बड़े अच्छे हैं, मुझे खुद बड़े पसंद आए थे जब मेरी जहेज़ की चीज़ें निकली थी। अभी जब मैंने सब अपनी चीज़ें यहाँ आके ओपन की हैं जहेज़ की, तो उसमें से ये निकले थे। तो ये मुझे नहीं पता कि ये मेरी मम्मी ने कहाँ से लिए थे। तो खैर ये काफ़ी साल हो गए इनको, क्योंकि मेरी शादी को 10 साल होने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये इतने पुराने और अब मुझे याद भी नहीं कि ये कहाँ से लिए थे। तो बस जी हमारा मसाला थोड़ा सा भुन गया था और मैंने कवर करके रखा था, टमाटर भी हो गए थे हमारे मेल्ट, तो साथ ही मैंने इसके अंदर दाल ऐड कर दी है, और दाल जो है वो मैंने पहले से बॉईल की हुई थी, तो बस थोड़ी सी इसके अंदर कसर थी तो मैंने पानी डाल के इसको मिर्चें डाल के वो कवर करके रख दिया था और बस दम दिए, तो दाल भी हमारी गल गई थी और हमारी जो है ना ये माश की दाल होगी जी रेडी, बड़ी अच्छी सी। और मुझे ऐसे ज़्यादा गीली गीली नहीं पसंद, सूखी सूखी अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा पानी नहीं डाला था। तो बस जी ये रेडी होगी और इसके ऊपर हम धनिया डाल देंगे इस तरह से, और बड़े मज़े की मेरी दाल बन गई थी। बस थोड़ा सा प्याज ज़्यादा हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं। और इसके ऊपर जो है ना मैंने ये गरम मसाला थोड़ा सा छिड़क दिया था, और उसके बाद हमने दोपहर को ये इंजॉय की रोटी के साथ, बड़ा मज़ा आया। चलिए जी जैवी स्कूल से आ गया था, और ये देखिए जैवी के और अरशमान के ये मैंने लेबल्स मंगवाए थे एक जगह से, और ये बड़े ही अच्छे हैं, वाटरप्रूफ हैं, मुझे बड़े पसंद आए थे। और ये मैंने इनके ना ये वाटर बॉटल पे और साथ ही ये लंच बॉक्स के ऊपर जो है ना ये मैंने लगाया हुआ है, बड़े अच्छे हैं ये। इसका अगर आप लोगों को लिंक चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं दे दूँगी। तो वैसे ये मैंने बनवाए थे और ये वाकई वाटरप्रूफ है, मुझे लग रहा था कि ये उतर जाएंगे ख़राब हो जाएंगे, लेकिन नहीं, अच्छे हैं ये उस लिहाज से, ठीक है जी। तो बस उसको मैंने जो है वो मीठे चावल अपने खिलाए थे, और जो उसके लिए मैंने रेनबो राइस बनाए थे। तो ये जी मैंने धोए हैं चीज़ें, हॉट पॉट वगैरह और सब कुछ, तो बस अब ये चीज़ें समेटते हैं और बनाते हैं जी रोटी, क्योंकि अब अरशमान के आने का भी वक्त हो रहा है, तो मैं ना खाना पहले ही बना के रख देती हूँ, ठीक है। और ये हॉट पॉट जो है ना ये अपनी जगह पर रखते हैं, ओह गिर ना जाना। ये सब कुछ जो है वो मैंने धो के रखा हुआ था, आज ये काफ़ी गंदा हो गया था, तो मैंने कहा चलो इसको भी वॉश कर लेते हैं, ठीक है जी। इसको सेट करती हूँ और फिर हम बनाते हैं रोटी। व्हाट इज दिस बिहेवियर पूजा जी। चले जी मेरी रोटियां भी तैयार हैं, ये चेक करें जी रोटियां भी बन गई हैं माशाल्लाह। तो अब जो है ना मैं सोच रही हूँ कि शरबत बना लूँ, और ये है जी हमारी माश की दाल, ज़बरदस्त सी
अब मैं फटाफट से शरबत बना लेती हूँ। पहले जी अभी अदील आ गए हैं ऑफिस से, ये रहे, और रशमान भी आ गया स्कूल से। ये जी ये लोग ले आए हैं, मैंने इनसे मंगवाया था धनिया, खीरे शीरे और दूध, ब्रेड। चले जी अब ये चीज़ें समेटती हूँ, फिर इनको खाना देती हूँ। तो चले जी ये था जी मेरा व्लॉग आज का, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और जो मेरा लास्ट व्लॉग था ना उसके लिए आई एम सॉरी, उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी वॉइस की, मतलब वॉइस ओवर थोड़ा सा आगे पीछे हो गया हुआ था, और वो मेरी गलती नहीं है, वो कोई ना एडिटिंग जो ऐप मैं यूज़ करती हूँ ना उसमें कोई गड़बड़ हुई हुई थी उस दिन, मैंने बड़ी मुश्किल से एडिट की थी तो, लेकिन वो फिर भी ख़राब होगी तो मुझे उस चीज़ का बिल्कुल भी नहीं पता चला। बाद में काफ़ी देर बाद मुझे पता चला कि यार ये क्या, ये तो ख़राब हो गया, लेकिन अब काफ़ी देर हो चुकी थी तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं ऐसे ही हम इसको हम जाने देते हैं, क्या हो सकता है। तो बस चले जी ये था जी मेरा व्लॉग, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर दे, शेयर कर दे, और अच्छे अच्छे से कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दें। ठीक है जी, तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।